सभी को राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग इस मॉडल पेपर को ना सुबह में जहां तक किया था उसके आगे पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और ध्यान दे, जो मॉडल पेपर कल हम कर रहे थे, जो हार्ट वाला था, तो हमने जस्ट फौजी सर को भेज दिया था ये वाला मॉडल पेपर, ये जो खुद को ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, ये मॉडल पेपर जो काफी बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है, ये मतलब काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है इसमें। इसके ना सारे आंसर जस्ट फौजी सर ने, आजमगढ़ वाले, उनसे क्लास करते आपके कॉलेज में जाते हैं, तो उन्होंने ना सारे आंसर बना के भेज दिया, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल के वीडियो अपलोड कर दिए, आप प्रैक्टिकल के जो डिस्क्रिप्शन है ना इस वीडियो का सामने वाली, उसमें आपको सारे मिलेंगे। मैप सेट, कंपास से डिग्री पढ़ना, सर्विस प्रोटेक्टर से डिग्री पढ़ना, सारा कुछ टोटल। ये डीएसटी टेस्ट का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, आप वहां से देख लेंगे। और क्लास के बाद, क्लास जब खत्म होगा 9:30 बजे, 9:30 बजे, तो मैं 11 बजे, ठीक है, 11 बजे फिर एक एक ही वीडियो में सारा डीएसटी वगैरह टोटल प्रैक्टिकल, डीएसटी, मैप सेट, सर्विस प्रोटेक्टर, सारा कुछ आपसे एडिट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लेंगे और सीख लेंगे। अभी अभी खाया ना, डगर आ रहा है इसलिए लेट हो गया। तो अभी हम लोग को करना है हेल्थ एंड हाइजीन से, यहीं से करना है ना, या इसके पहले करना है? इधर भी हमने नहीं किया था, ठीक है, इधर से ही करेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद। क्या आप लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हो ना? देखिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा अभी। बी वाले जो लोग अभी तक नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत है। ये सब तो हमने कर लिया था सुबह में, चलिए यहां से करते हैं, ठीक है। ये भी कर लिया था, हेल्थ एंड हाइजीन से ही करना, ठीक है, यहां से। तो जो लोग बी का एग्जाम जिनका बाद में है, जिनका बी का पेपर 11 को नहीं है, जिनका बाद में है, पीडीएफ आप ले सकते हो। बाकी लोग जिनका कल परसों, आप पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, तो पढ़ोगे 2 घंटा में पीडीएफ से, वीडियो से पढ़ लीजिएगा। तो जिनको पीडीएफ लेना होगा आप यहाँ मैसेज करेंगे, पेड कोर्स पीडीएफ है, 9341325130। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, आप 10 घंटा में नहीं पढ़ पाएंगे ना उतना, तो फिर आप वीडियो से नहीं पढ़ लेना, ठीक है। मतलब आप इतने सीरियस हो कि 3 साल 2 साल में कुछ नहीं पढ़े, तो 1 घंटा में कौन सी, 1 घंटा में बहुत कुछ होता है। 5 मिनट पढ़ के इतिहास बना दोगे, पास हो जाओगे 1 घंटा पढ़ के, लेकिन वीडियो से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। बाकी लोग यहाँ से ले लेंगे, सी वाले आपके लिए सारा पीडीएफ अवेलेबल है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर www.tejasnccarmy.com, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है इस वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ से पढ़ना है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं देखा कौन मैसेज कर रहा है, सर प्लीज सर प्लीज सर, अरे कौन सी प्लीज प्लीज कर रहा है, 2 साल से सोया था तो कौन सी प्लीज। अब अजीब अजीब लोग हैं, तो गलती आपकी है, आप नहीं मेहनत करेंगे ऐसा ही होगा। और आप जो अभी कर रहे हैं ना, 2 दिन में तैयारी करने के चक्कर में हो, आगे भी आपका वही हाल होगा। तो अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलती आगे सुधार लीजिएगा, 2 दिन में कुछ नहीं होता, 2 साल का काम 2 दिन में कैसे होगा। तो रेगुलर मेहनत कीजिएगा। जो लोग बी का पेपर देंगे अगले साल, जो सी का देंगे, 7 बजे जो क्लास होती है, ये क्लास पूरे साल चलती है, 7 बजे आप रेगुलर क्लास करेंगे, ताकि आपको फिर एग्जाम टाइम में रोना ना पड़े कि सर कैसे तैयारी करें, समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो रहा है। 7 बजे 1 घंटा, 24 घंटा में आपका रूटीन एनसीसी का होगा, 7 बजे क्लास कंटिन्यू, ठीक है। सी वाले एग्जाम देके अपनी तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर, टाइम कम है। इंस्ट्रक्शंस पहले सुन लो, इंस्ट्रक्शंस जरूरी है। आपको इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते नहीं हो एग्जाम में, ये ओएमआर शीट कैसे भी फिलअप कर दोगे, आपको समझ नहीं आती कुछ भी, तो इंस्ट्रक्शंस पहले सुन लीजिए अच्छे से। मेरे यहाँ एक सर्टिफिकेट में 60-70 लड़के, 60-70 लड़कों बटालियन ने ना मना कर दिया वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरा उस दिन पूरा एक दिन टाइम मेरा खत्म हुआ, मैं ऐसे जाऊंगा सीओ साहब से बात करने, क्योंकि सीओ साहब ने मना नहीं किया, मुझे पता है वरना कुछ बाहरी फैक्टर है, उसको भी मैं बाद में देख लूंगा। उसने ना वहां पे कुछ बोला है, और इन लोगों को तो पता नहीं है, नए नए आए हैं, सीओ साहब ने खुद बुलाया था, और वीडियो में कुछ वैसा है नहीं कि मना किया जाए। आपकी बेनिफिट के लिए भैया बटालियन है, एनसीसी कैडेट्स के लिए, वीडियो आपने रिकॉर्ड करवाया एनसीसी कैडेट्स के लिए, फिर मना कर दिया कि अपलोड नहीं करो। कौन सी वीडियो में है, डीजीएनसीसी सारे वीडियो उनका अपलोड होता है इंस्टाग्राम सब जगह, और यहाँ पे पता नहीं किस प्रकार का बैन लग रहा है। तो मैं ना बटालियन जाऊंगा, पहले आपका काम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सीओ साहब से मिलूंगा, क्योंकि सीओ साहब की तरफ से कोई मना ही नहीं है, मना किए हैं 1-2 लोग हैं, उन लोगों से बाद में देख लेंगे। 1150 क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड कर लीजिएगा, जरूर नहीं अपलोड बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो,
60-70 लड़का ओएमआर शीट गलत फिलअप कर दिया था, ओएमआर शीट ही गलत फिलअप कर दिए। सिचुएशन सारे पीआई सर, सारे एएनओ, सीओ साहब, एसएम साहब सब लोग बता रहे थे, माइक में अनाउंस करके एक एक बंदे के पास जाके बता रहे थे, फिर भी गलत कर दिए 60-70 लोग। अगर आप ओएमआर शीट गलत कर दोगे आपका रिजल्ट खत्म, क्योंकि कॉपी मशीन पे चेक होगा और किसी से पैरवी नहीं करना पैसा देके, मशीन चेक करेगा कॉपी, कोई पैरवी वहां नहीं चलेगा, तुमको बुद्धू बना के पैसा ले लेगा। पढ़िए, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, गलत आंसर पे केवल गलत नंबर का उसका मार्क्स कटेगा, ढाई नंबर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। केवल नीले एवं काले बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे, जेल पेन नहीं ले जाएंगे, जेल पेन का ना वो मशीन जो होता है नहीं लेता, परमिशन नहीं लेगा, तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो ब्लैक या ब्लू पेन, बॉल पेन जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ये सब हो गया, इस तरह का दुकान को बोलोगे ना पेपर देना है, वो थोड़ा सा मोटा वाला दे देगा बॉल पॉइंट पेन, वो लेके जाना। और परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में न्यूनतम 33% अंक चाहिए, सारे विषय में दिया, इन ईच पेपर 17 पेपर है, 17 टॉपिक, 17 टॉपिक में आपको 33% कम से कम लाना पड़ेगा। आपने कोई टॉपिक अच्छा से नहीं पढ़ा तो आप फिर लटक जाओगे, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ना। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर, सभी को राम राम। चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने जूनियर्स को, जो लोग सी वाले हैं, अपने जूनियर्स को बता देंगे तेजस चैनल के बारे में, उनको क्लास के टाइमिंग बता देंगे, ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी किसको बचाता है, आंख, मस्तिष्क, कान, जीभ। 65, अब कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, मतलब मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं, आप लोग आपस में बतियाते रहते हो, अजी मूर्ख वाली हालत है, सुन लो नहीं तो फिर एग्जाम में ना फेल हो जाएगा तो रोएगा। देख रहे हैं सब, शारदा यादव ये सब बतिया रहा है, और कौन इधर, धीरू, हाँ सोते रह तू, चलो सभी लोग, सर डर लग रहा है तो डरते रहो, इतना समझाने का कौन सी फायदा, अरे रोज आपको 10 घंटा मोटिवेट करने का क्या फायदा कि डर लग रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। मानव खोपड़ी दिमाग बचाता है, तो दिमाग को बचाता है तो दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है, सी होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना है क्योंकि खोपड़ी इसकी सेफ्टी प्रदान करता है। 66, एड्स के लिए कौन सी जांच होती है, HIV, ब्लड, यूरिन, हार्ट। पैसा किसी को नहीं देना, बहुत लोग धांधली करते हैं, बटालियन कोई धांधली नहीं करती है, कहीं कहीं पे कुछ लोग होते हैं ठीक है, लेकिन कहीं पे धांधली ऐसे नहीं होता, बाहर के तत्व करते हैं, उनको पैसा नहीं देना, पढ़ के पास हो, कोई बातचीत करेगा ब्लॉक कर दूंगा। एड्स के लिए HIV टेस्ट ए होगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर के साथ गुड जॉब, बाकी लोग अभी तक सो रहे हैं क्या, मैंने मैसेज कर दिया था क्योंकि मैंने 7 बजे खाना स्टार्ट किया, मेरा रूटीन बहुत गंदा है अभी, फिर मुझे लगा ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा कल पेपर है, तो फिर मम्मी गुस्सा हुई, तो फिर मैं खाया जल्दी से। बेरी बेरी ठीक है, विटामिन बी की कमी से बी होगा। नेक्स्ट, DTL का अर्थ यानी DTL का फुल फॉर्म, टॉप 5 का नाम आएगा, फुल फॉर्म ऑफ DTL, स्पेलिंग बताएंगे आप, टॉप 5 DTL का फुल फॉर्म, DTL का, रियाज अहमद 67 का ए लिख रही है, विटामिन ए, जब तुमको इसका आंसर नहीं पता तो कौन सी पढ़ी हो, ये वहां से आजमगढ़ से, यहाँ पे सर है आजमगढ़ नहीं, कहाँ पे है रे भाई, अभी जस पड़ी सर जहाँ पे, रियाज अहमद पढ़ती लिखती है नहीं, मतलब ये विटामिन ए लिख रही है। DTL का फुल फॉर्म, सभी को जय हिंद, खाना खा के पढ़ा रहे हैं। सयाजी, धीरू, अफसाना, इनोसेंट, चमचम, ठीक है। डीप ट्रेंच लैटरिन कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन एक को ऑप्शन सही नहीं है, तो जहां पे आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे एक भी सही नहीं हो, डी में है, नॉन ऑफ दीज, देख लेंगे डी होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा, कोई स्पेलिंग सही नहीं है, डीप ट्रेंच लैटरिन होता है, ठीक है। 69, फल और सब्जियां किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, कीड़े और मकोड़ों के, ऑक्सीजन के, प्रोटोजोआ और हेल्थ, हेल्थ मीन सेंस, या केवल सी सही है, क्या होगा। सब्जेक्टिव, अरे तो ये तुमसे नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव जिनका सी होगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आप लोग अजीब बंदे हो, रोज एक ही बात समझाओ। शुभम माली, मारूंगा कंटाप ना, गधा जैसा किया कमेंट, तो
तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं पूछेगा, कहां से ये सब आता है यार। चलो फास्ट, शिल्पा, पीयूष, कोई सी लिख रहा, कोई बी लिख रहा, अरे डी होगा ना, आप लोग ऑप्शन तो पढ़ते नहीं हो, बस हवा में उड़ना है, उड़ने आता नहीं है। डी में क्या दिया, केवल सी सही है, तो डी होगा, पहले ऑप्शन तो पढ़ लो। डी 70, पास काला से अतिरिक्त कचरा को कहां रखना चाहिए, मतलब किचन का जो कचरा होता है उसको कहां रखना चाहिए, घर में फैला दो, किचन से दूर, कचरा कुंडी का इस्तेमाल, उपरोक्त सभी गलत है। चलो जल्दी, कचरा, एक्स्ट्रा कचरा किचन का कहां रखेंगे सभी लोग, मतलब ये लोग अजीब है यार, थोड़ा सा समझा करो ना, मेरा ना गला का और मुंह का हालत खराब है बोलते बोलते। आज आपको पता है मैंने क्विज का वीडियो बनाया, प्रैक्टिकल का वीडियो बनाया, हालत खराब क्या होगा। ठीक है, कचरा कुंडी का इस्तेमाल सी होगा, नेक्स्ट, ठीक है सभी लोग सी। मनुष्य को रोजाना दांतों की सफाई करना जरूरी है क्योंकि बैक्टीरिया तथा मसूड़ों की बीमारी नहीं आती, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों का दर्द शुरू हो जाता है, केवल बी सही है। अरे दांत रोज सफाई करना है क्यों, ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर के साथ। चलो जल्दी, गुड जोश, 71 का ए होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 72, एक स्वस्थ मनुष्य को 24 घंटे में कितने घंटे नींद की आवश्यकता है, 5, 7 से 8, 6 से 7, 10। अभी इसमें काफी लोग गलत बताएंगे। 72 नंबर, 72, कंसेंट्रेशन पूरा क्वेश्चन पे होना चाहिए एग्जाम में, इधर उधर नहीं, कहां झगड़ा किया है, कहां कौन मुंह फुलाया है, पूरा पेपर पर ध्यान, नहीं तो फंस जाओगे। पेपर बहुत डिफिकल्ट तरीका से पूछेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, पूछने का तरीका बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप पहले से सावधान रहे, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, 72 का एक भी सही नहीं है, लेकिन आप आंसर दे देंगे, मुझे पता है ना आप लोग ज्ञानी है, कुछ लोग सही है, 6 से 8 घंटे जो लिखा परफेक्ट। देखो देखो पूछ रहा प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, अरे गधा, अभी शाम में तो अपलोड किया हूं, इसमें से एक भी सही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आंसर दे दिया, ताकि आपको पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तुक्का मारना है। 6 to 8 आवर्स होता है, तो हाथ खड़ा करेंगे, डाउट होगा तो चिल्लाना नहीं है कि सर इधर आ जाइए, हाथ खड़ा करेंगे, जो देखेंगे तो पूछेंगे बोलो, तो उनको बताना है कि इसमें सारे ऑप्शन गलत है, कौन सा सही मारे, ठीक है, सीओ साहब से पूछ लेना। 73, मानव मस्तिष्क में कितना प्रतिशत पानी होता है, 80, 75, 85, 90, हमारे ब्रेन में कितना परसेंट पानी होता है। चलो जल्दी सभी लोग, गुड जोश, क्वेश्चन नंबर के साथ भैया क्या होगा, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। शिल्पा हैंड रेज किया है, अच्छा घर पे ही हैंड रेज कर रहे हो, मुझे थोड़ी ना दिख रहा है। चलो जल्दी सभी लोग, तुम लोग यार कमाल करते हो। 73 का, 73 का कौन सा बताया था, ये तो नहीं होगा शायद, ये हुआ था ना, ये था, अरे पेपर पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, मतलब आप जो डाउट था पढ़े नहीं, इतने सीरियस बंदे हो। चलो भैया आप जाने और आपका कल्याण जाने, ए होगा इसका, शायद ए था ना, गूगल देख लेना, गूगल देख लीजिएगा। ब्रावियो कॉलरी नामक जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलती है, तपेदिक, निमोनिया, हैजा, प्लेग, मतलब आपने एक भी डाउट क्लियर नहीं किए जो नए क्वेश्चन थे, वाह बेटा इतने सीरियस हो। ब्रेन हैविंग परसेंट ऑफ, ये भी नया क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है, दिमाग में 80% होता है, मुझे तो याद था कि मैंने 80 बताया है, लेकिन आप लोग तो सारे लोग बी और सी लिख रहे थे, पढ़ना तो है नहीं, इसलिए मैंने ए लिखा 80, तो पढ़ा करो ना, तुम्हारी जगह मैं पेपर दूंगा, इसका देख लेना, ठीक है, इसका क्या होगा सर्च कर लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से मानव रचित आपदा का उदाहरण नहीं है, मैनमेड डिजास्टर नहीं है, परमाणु युद्ध, भूस्खलन, यातायात, कोयलों की खान में आग, ऐसे नहीं होता पढ़ाई, कल बता था ना कि तैयारी कैसे करते हैं, वेटेज के अनुसार 10 चैप्टर है, किसका सबसे ज्यादा नंबर का पूछते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और 6 नंबर का है बॉर्डर एरिया, तुम बॉर्डर एरिया ज्यादा पढ़ते हो, नया टॉपिक है, अरे 8 नंबर का पूछेगा,
हार्ड में जय बॉर्डर एरिया फोकस करेंगे ज्यादा वेटेज वाले पे, लीडरशिप पे, मैप रीडिंग पे, एसएससीडी पे। तो जब तक प्री प्लानिंग नहीं करोगे दो दिन में थोड़ी होगा, दो दिन में तो तुम्हारा टेंशन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बी होगा भूस्खलन। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म स्पेलिंग बताएंगे, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। 1150 क्वेश्चन वाला वीडियो, कल तो प्रैक्टिकल है ना, अभी कम से कम दो तीन बार पढ़ लो, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ ले प्रैक्टिकल वाला भी। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म स्पेलिंग बताइएगा, स्पेलिंग एबीसीडी नहीं चलेगा। चलो जल्दी से सभी लोग, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ, बढ़िया स्पेलिंग, टॉप फाइव, टॉप फाइव का नाम आएगा भैया, फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ, गुड जोश। क्या होगा, गायत्री, पिंकी, रिद्धि, पीयूष और अरुण टॉप फाइव में। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 77, आग और वस्तुओं के बीच विकिरण किसके आवरण से नियंत्रण में रहता है, मतलब कंट्रोल में, पानी, मिट्टी, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। मैंने पानी, आग, आग और किसी ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस कब बना रहेगा, कंट्रोल रहेगा, आग। क्या होगा, गुड जोश। मिस्ती सिंह, स्पेलिंग गलत है तुम्हारा, स्पेलिंग याद करो। चलो जल्दी सभी लोग, क्या होगा, फास्ट, पानी, ठीक है ए होगा, ठीक है ऑप्शन ए, मिट्टी लिख रहा है कौन, पानी ज्यादा ही है। 78, खाली स्थान किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है, किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलेगी, क्या होगा, चलो सभी लोग आंसर सभी के, मतलब दोनों ही निगेटिव बात है, किसके अब्सेंस में आग नहीं जलेगा, चलो फास्ट। 78 का अनुपस्थिति में पूछ रहा, आग नहीं जलती है, ये होगा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से आग जलता है, डी होगा। अगर इसमें ऑप्शन ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन लिखते, आप लोग यार ना कुछ नहीं पढ़ते हो। अच्छा, नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जलता है, नाइट्रोजन होगा तो आग जलेगा, नाइट्रोजन होगा तो आग जलेगा, क्या क्या पढ़ते हो यार तुम लोग, पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उस बार भी आप गलत बताते, चलो आप लोग कुछ नहीं पढ़ते। अरे सारे के सारे, केवल कनिष्का दत्ता परफेक्ट है, कनिष्का दत्ता अवनी दो बंदे सही है, बाकी सारे वही लड्डू खाएंगे। ठीक है, डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा तो नहीं जलेगा, डी। नेक्स्ट 79, एनसीसी कैडेट आपदा में कैसे मदद करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, जनता का मनोबल बढ़ाना, यातायात नियंत्रण में मदद, उपरोक्त सभी। तुम लोग तो एग्जाम में ऐसे ही करने वाले हो, सिंपल सी बात है, जब तुमको सेम क्वेश्चन अगर तुमसे ये मॉडल पेपर भी पूछेगा ना जो ए लिखे थे, आप पास नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, तुमने इसका एक भी क्वेश्चन समझा ही नहीं, ना जो क्वेश्चन नए थे तुमने क्लियर किया, कहां से एग्जाम दोगे, सेम ये पूछ देगा ना ए सर्टिफिकेट वाला, बी वाले, रोना आएगा तुमको गधे। एनसीसी कैडेट आपदा में, ठीक है डी होगा, उपरोक्त सभी। 80, घबराहट पर काबू पाने का तरीका नहीं है, अफवाहों पर काबू करें, लोगों से मारपीट करें, भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करें, बचाव सभा का प्रबंध करें। घबराहट पर काबू पाने का तरीका नहीं है, नहीं है दिया है, ये तो तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। अब मुझे पता है तुम लोग डी लिखोगे क्योंकि पहले से डी पर टिक मारा है, और डी तो होगा नहीं, आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ मुझे पता है ना सबके सब चीटर हो, विशाल, पिंकी, गायत्री भादुरी, तुम्हारा सही है, चीटिंग मारती है, पढ़ती लिखती है नहीं, सही है, मुझे पता है ना आप जो इसमें टिक मारा है आप वही लिख रहे हैं, अंधे सम्राट की तरह, या पहले से करिया लगाया हुआ है। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, निगेटिव पूछा, कौन तरीका नहीं है, लोगों से मारपीट नहीं है, पढ़ना समझना तो है नहीं, बी वाले परफेक्ट हो, बाकी सब गधे। नेक्स्ट
ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट, 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 6 फीट, 6 फीट। क्वेश्चन समझ नहीं आया, तुझे एक ही क्वेश्चन पूरे साल पढ़ा जाएगा तब वो समझ नहीं आएगा। ये मॉडल पेपर ना तुझे पढ़ा चुका हूं पहले, गधा, शर्म भी नहीं आ रहा, तू क्लास से बाहर जा, समझ के आना। जो पहले वीडियो पढ़े थे ना उसमें से समझ के आ। चलो जल्दी सभी लोग, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची है, कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट और 12 फीट, 6 फीट ऊंचा, 12 फीट लंबा, बी होगा, बी वाले सही है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधा रहती है? 8, 2, 12, 10। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग? काजल सिंह पढ़ लो, रोना आएगा एग्जाम में तुमको। तुमको जब ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, कौन सी लिखेगी? तुमको ये नहीं पता बेसिक क्वेश्चन, अपना नाम बढ़िया से लिख लोगे ना तुम लोग, उतना काफी है। अगर आपने फॉर्म भी अच्छे से भर दिया ना, जबकि आपको मैंने सारे पहले से बता रखे कैसे फिलअप करना है, बहुत है। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में 10 बाधा है, डी होगा। नेक्स्ट, एडवेंचर थाली स्थान हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में, आगरा में, उत्तरकाशी, श्रीनगर। मतलब क्वेश्चन समझाने के बाद ये हाल है, सेम मॉडल पेपर बार बार पूछो तब ये हाल है, तो नया मॉडल पेपर कहां से दोगे जब एग्जाम होगा तो? बताया था ना पेपर बहुत टफ है, सेट हो गया यूपी का पूरा, आज ही प्रिंट हुआ, पढ़ना लिखना है नहीं, मुंह उठा के जाने से हो जाएगा, चेहरा देख के थोड़ी तुमको नंबर दे देगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मेकअप मार के आए हो। हिमालयन दार्जिलिंग में है, ये होगा। 84, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, नेतृत्व गुणों का विकास, इनमें से सभी। एडवेंचर का पर्पस क्या है, क्यों कराते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग, क्यों देते हैं? चलो जल्दी, मैंने पेपर तुम्हारा है, अब मैं अपना हेल्थ खराब करके मर मर के मैं आपके लिए डाटा अवेलेबल करा रहा, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, अद्भुत। चलिए आंसर बताइए, आपका रिजल्ट बताएगा और आप क्या करेंगे आपको पता है। कुछ लोग हैं जो अच्छा से मेहनत किए हैं, चलो फास्ट, ठीक है, डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, 85, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है माउंटेन एक्सपेडिशन, जंप्स, वाटर राफ्टिंग, इनमें से सभी। और आज ना 9 बजे क्लास खत्म कर दूंगा, सी सर्टिफिकेट वाली, मतलब नेक्स्ट क्लास 9 बजे खत्म, और आधे घंटे वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, 10, 10:30, 10:30 बजे जो मॉडल पेपर है ना ये वाला, ये मॉडल पेपर पूरे आंसर के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, पढ़ लेना पूरे आंसर, जसफली सर ने बना के भेज दिया, 10:30 में अपलोड करूंगा जैसे कल किया था। डी होगा, इनमें से सभी होगा। स्लिदरिंग में कैडेट्स किससे सरकने का प्रदर्शन करते हैं? पहाड़, छत, लिफ्ट, हेलीकॉप्टर। स्लिदरिंग में कैडेट्स किसके थ्रू सरकते हैं? 86। चलो जल्दी क्या होगा आंसर, सभी का आने चाहिए। रियाज अहमद आंसर बताओ, पढ़ती लिखती है नहीं। स्लिदरिंग में कैडेट्स किससे सरकने का प्रदर्शन करते हैं? ठीक है, हेलीकॉप्टर से, छत से नहीं सरक जाना, मुंह टूट जाएगा, डी होगा। 87, इनमें से कौन पर्वतारोहण कोर्स कराने वाली संस्थान नहीं है? दार्जिलिंग, उत्तरकाशी, मनाली, कपूरथला। सभी को राम राम, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बाबा जी तो कहां था अभी तक, चलो फास्ट, माउंटेनियरिंग कोर्स कराने वाली कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है? शिल्पा कुमारी तो ध्यान दो ना, चलो गुड जोश। ये कौन है, किरण धांगर, 10 बार का है लिख रही, एक बार बताओ, ठीक है, इसमें डी होगा, कपूरथला नहीं है, कपूरथला में ट्रेन का डिब्बा बनता है, मैंने ट्रेन में पढ़ा हूं, बोगी ना उसमें स्टिकर मारा है, कपूरथला से बना है, मुझे ध्यान है। नेक्स्ट, रॉक क्लाइंबिंग के उपकरण का नाम? बंदूक, कैंची, झूमर, सीढ़ी। इसके आंसर सबके सही होने चाहिए, मैंने समझाया था। रॉक क्लाइंबिंग के उपकरण, रॉक क्लाइंबिंग कौन सी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं? बंदूक, झूमर, कैंची,
सीढ़ी। हाँ ठीक है इनोसेंट, कपूर थल्ला होगा। अरशद, अरे सभी को लव यू, कैसे हो मैडम जी, का हाल चाल है? पास्ट आजमगढ़ से हुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर बी होगा, झूमर। बी इज द करेक्ट आंसर, देख रहे हैं। चांदनी राजपूत ए लिख रही है, बंदूक लिख रही है कि रॉक क्लाइंबिंग में बंदूक लेके जाते हैं। वाह, लिखबो करी तो सीढ़ी लिख देती, तो बंदूक लिख रही है। कहाँ दिमाग रखी है चांदनी राजपूत, तुम्हारा रिजल्ट मुझे पता है। ऐसे देख रहे, बंदूक लिख रही है। कार्बिनर किस गतिविधि का उपकरण है? स्लिदरिंग, वाटर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, इनमें से कोई नहीं। कार्बिनर का इस्तेमाल किस में करते हैं, किस एडवेंचर में? फ्रीजा, इसका आंसर दे रही हो, चलो जल्दी। ट्रैकिंग में थोड़ी करते हैं, फ्रीजा गलत है। कार्बिनर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर बहुत थके हुए लग रहे हो ना, हम तो हवा में उड़ रहे हैं। वो बंदूक बताइए ना, लिख रही है, मैंने दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। चांदनी राजपूत कौन सी करोगे तुम भाई, तुम एग्जाम देने नहीं जाना यार, मुड़ के जाएगी। चलो फास्ट, इसका बी होगा, नहीं ए होगा, ठीक है। सिलिंडरिंग में इस्तेमाल करते हैं, कार्बिनर का ना हो, रस्सी में साथ फंसाने वाला होता है कुछ। अरशद, अरे यहाँ पे नंबर नहीं शेयर करो, अरशद मैसेज कर देना, उसको बोलना मैसेज करेगा, ठीक है। इसका ना ए होना चाहिए, ट्रैकिंग तो होगा नहीं, वाटर राफ्टिंग में नहीं होगा, ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए निक्कू, सी नहीं। गोताखोरी के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? गोताखोरी माने पानी में जो, रस्सी, कार्बिनर, ऑक्सीजन सिलेंडर, झूमर, क्या होगा? गोताखोरी के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सिंपल है, रोनाल्डो आंसर बता। सर मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े थे, पहली बार पढ़े हैं, एक मॉडल पेपर पहले हो चुका है। तो तुम बंदूक लिख देगी, तुम पहाड़ पे चढ़ी बंदूक लेके, क्या होगा इसमें? 90 नंबर। सैया जी, मैया जी, बाबा, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर सी होगा। नेक्स्ट, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, 1971 से पहले बांग्लादेश को कौन सा पाकिस्तान कहते थे? ये सब ना बॉर्डर एरिया में नहीं है, अलग क्वेश्चन है। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, माने बांग्लादेश को कौन सा पाकिस्तान के नाम से बुलाते थे? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी या उत्तरी? कार्तिक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ। शिल्पा कुमारी, अब आगे हो गए बहुत, चलो आंसर बताओ। 87 का तुम्हारा, अभी फिर से जाऊंगा बैक में, बाद में पूछना, क्लास के बाद। पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट होगा। अरे पश्चिमी पाकिस्तान था ना, बीच में हंसी दिला, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पता नहीं, ठीक है देख लेना। तुम लोग ना मेरा दिमाग ऐसे, कोई ईस्ट लिख रहा, कोई वेस्ट लिख रहा, पूर्वी पाकिस्तान ना। शाकिब रंगरेज, फालतू का कमेंट या नहीं करो, ठीक है ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ही आज सुबह में पढ़े थे कहीं पे, मान गए। तू जाके सो जा बेटा, कल प्रैक्टिकल है तो। नेक्स्ट, भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चाइना, भूटान, म्यांमार, फिलीपींस, किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दिया हिंदी में गलत है, यहां पे देखो, नॉट शेयर्स, किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अरशद अभी से प्लानिंग करने लगा कि अब लड़का होगा तो आप सभी को बुलाएंगे। आराम से, इतना बेचैनी का है तुमको फैमिली बढ़ाने का? शादी हुआ 2 दिन हुआ, बेचैन हो गया, क्या होगा? कौन सा? फिलीपींस, डी होगा। देखो चाइना लिख रहा, देखो चाइना लिख रहा, नाम में किंग लगाया है, वो किंग कौन काम के है? भारत के किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्री सीमा है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, सबसे बड़ा समुद्री सीमा किस राज्य का? चलो जल्दी सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 93, सिंपल क्वेश्चन है। 93, एक नो 92 का पता नहीं, बी लिख रहा, चलो आंसर बताओ। फास्ट, अरे आराम से, मतलब अरशद
इधर उधर घूमो तुम भी यार, कमाल है। ठीक है, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ए, भारत के कितनी समुद्री सीमा है? 6, 7, 8, 9। भारत के कितने समुद्री सीमा है? क्वेश्चन नंबर 94। 94 इंडिया हैज हाउ मेनी कोस्टल एरियाज? चलो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 94, 94 का क्या होगा? हाउ मेनी कोस्टल एरियाज, मैं भूल गया, जल्दी सभी लोग। सात या नौ है, सात या नौ कौन सा होगा? सात को तो ये है ना, सात को तो स्थल वाला है, सुबह में पढ़े थे ना कि सात स्थल माने भूमि सीमा मिलती है सात को, और नौ वो है समुद्री सीमा। ठीक है, डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देखा, मुझे दोनों याद है, डी होगा। सिंचुला संधि भारत और किस देश के मध्य हुई थी? चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। सिंचुला संधि भारत और किस देश के बीच? पिछला दिन बताया था ना, बताइए क्या होगा सिंचुला संधि। चलो जल्दी, फिर से मैं देख ले रहा हूं, बता दे रहा हूं, सिंचुला संधि किसके किसके बीच? ब्रिटिश, ब्रिटिश इसमें कहां दिया? तो ब्रिटिशर्स दे रहा। अच्छा ठीक है, भूटान, भूटान होगा। ठीक है, भूटान, भारत और भूटान, डी होगा। हाँ ठीक है, भूटान। ठीक है सभी लोग, गुड जोश। नेक्स्ट, सुगौली संधि भारत और किस देश के मध्य? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान। सुगौली, सिंचुला से सुगौली हो गया, सुगौली। चलो जल्दी सभी लोग, क्या होगा भैया? सुगौली संधि किसके किसके बीच हुआ था? चलो जल्दी सभी लोग, क्या होगा? ठीक है, नेपाल, मनु, परफेक्ट, सी होगा नेपाल। तो जो डाउट होता है नया क्वेश्चन, आप नया क्वेश्चन याद ही नहीं करोगे तो फायदा क्या है, उतने ही पलट के हो। नेक्स्ट, पार्ट फोर आर्मी, भारतीय सेना का प्रमुख किस पद का होता है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल। अब जो लोग इसका चीटिंग करेंगे खुद को साबित कर देंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल लिखा। इंडियन आर्मी का चीफ किस रैंक के होते हैं? द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चलो जल्दी, हिमांशु चल आंसर बता, क्या लिख रहा है तू? 97 का देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं गधा को, अवनि अग्निहोत्री उसका देख के भी लिख रही है, दिमागवा का क्या इस्तेमाल करेगी तू? शारदा यादव बी, तुम टॉप करेगी, ओडिया भाषा, चीटिंग मार लो बेटा, मार लो चीटिंग, क्रीजा। हाँ, दूसरे का चीटिंग करते रहो। तुम लोगों को अब ये क्वेश्चन पढ़ाना पड़ेगा कि हमारे आर्मी चीफ किस रैंक के हैं, मतलब तुमको आर्मी चीफ का नाम भी नहीं पता। आज सुबह में तो पढ़े कि आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, तो अब उनका नाम लेफ्टिनेंट लगाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप जनरल काहे लगाते हैं, आपका रैंक तो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, इन महान लोगों की मतलब इन लोगों का कहना है कि आपका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल नहीं है, मारेंगे कंडा अपना उलट जाएगा। ठीक है, ये होगा जनरल, ये सब अजीब मूर्ख आदमी है। नेक्स्ट, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, रक्षा सचिव, राष्ट्रपति। इन लोगों को पढ़ना ही नहीं है, बस दूसरे का जो लिख दिया चीटिंग मार रहे, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, पक्का तुम लोग टॉप करेगा जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल लिखा है। सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? ऑफलाइन होता ना तो इन लोगों में भगा देता, एक मिस्टेक खत्म, आउट ऑफ क्लास, ऐसे लोग को रखेंगे। ठीक है, डी होगा राष्ट्रपति। सेना में बटालियन कमांडर की रैंक क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, सुबेदार मेजर। आप मिस्टेक अगर वैसी जगह पे करेंगे जहां मिस्टेक होना चाहिए तो आपको माफ है, अब वैसा मिस्टेक करोगे तो थोड़ी रखेंगे, मेरे सर्किल में नहीं, बाहर जाइए। सेना में बटालियन कमांडर का रैंक क्या होता है? 99। देखो सीडीएस लिख रहा, चलो जल्दी सभी लोग, देखो सुबेदार मेजर लिख रहा। अरे गधा, तुम भी सुबेदार मेजर हो है कि नहीं? ठीक है, कर्नल बी होगा, कर्नल होते हैं। ठीक है, बी, देखो 90 का डी लिख रहा बहुत है। नेक्स्ट,
सेना को कितने कमांड में बांटा गया? 6, 5, 7, 8। इंडियन आर्मी के कितने कमांड है भाई? द आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? गुड जोश। इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? आंसर सभी का आने चाहिए। बढ़िया, चलो जल्दी सभी फास्ट। क्या होगा? गुड जोश। 7 को सी होगा। 101, वर्तमान में भारत के जनरल कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल एम एम नरवाने, जनरल बिपिन रावत, जनरल वीके सिंह। अब जिन्होंने इनका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल बताया था, आप तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं लिखेंगे। प्रीजा, और कौन कौन था लेफ्टिनेंट जनरल वाला? इसमें तो सारे आंसर ही गलत है तुम्हारे अनुसार। लेफ्टिनेंट जनरल होना चाहिए ना। राधे राधे, ठीक है चलो जल्दी। देख रहे हैं वो सी लिख रहा है कि जनरल बिपिन रावत। शाकिब रंगरेज, बेटा तू क्लास करने लायक नहीं है, घर पे जा। ठीक है, ए होगा जनरल मनोज पांडे, अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट अभी बताया था। ठीक है, ये होगा, वैसे बंदों को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पर है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड गुड़गांव, जयपुर, शिमला, कानपुर। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहां पर? चलो फास्ट, क्वेश्चन नंबर के साथ। 102 का एगो सी लिख रहा, ठीक है मुझे लगा क्या लिख दिया। सोना तिवारी, क्वेश्चन नंबर के साथ। बढ़िया, चलो फास्ट। 102 नंबर, देख रहे साकिब रंगरेज, बिपिन रावत लिख रहा, वैसा मूर्ख को कौन सी रखना क्लास में, टीम का इंसल्ट करा देगा पूरा तेजस फैमिली का, और आप में से भी बहुत लोग हैं। ठीक है, सी होगा शिमला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में वरिष्ठ जेसीओ किस रैंक के होते हैं? सुबेदार मेजर, सुबेदार, कप्तान, नायक सुबेदार। चलो जल्दी से सभी लोग। सेना में वरिष्ठ जेसीओ का रैंक, सबसे बड़ा जेसीओ में कौन सा रैंक होता है? फास्ट, जल्दी, सबसे बड़ा जेसीओ का कौन सा रैंक होता है? इतना इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, सुबेदार मेजर, ए होगा, एसएम साहब जो होते हैं सबसे बड़े जेसीओ, ए इज द करेक्ट आंसर। एगो कैप्टन लिख रहा, तू भी तो कैप्टन ही है। 104, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म भूषण, राष्ट्रपति। ए ग्रेड लेना है तो आदमी की तरह पढ़िए ना, टेंशन फ्री रहो, ए ग्रेड आएगा सभी का, जितने लोगों ने बताया तरीके फॉलो किए हैं। अब जो लोग खाली क्लास करेंगे सोएंगे तो थोड़ी होगा, जितने लोगों ने मेरे बताया तरीके फॉलो किए, एग्जाम में क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा, ऐसे नहीं पूछा क्लियर, ये भी 2024 का ही है, 4 फरवरी वाला, बहुत घुमा फिरा के पूछा, तो क्वेश्चन समझिएगा फिर आंसर देना, सेम क्वेश्चन है पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, परमवीर चक्र ए होगा। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 26 जुलाई, 8 अक्टूबर। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे? चलो फास्ट, आंसर सभी का आना चाहिए, जल्दी। क्या होगा? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, सी होगा। 106, विजय दिवस कब मनाते हैं? विक्ट्री डे 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 26 जुलाई, 8 अक्टूबर। विक्ट्री डे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो चटनी बन जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये बहुत इजी मॉडल पेपर है, आपका बहुत टफ है, स्पेशली यूपी वाले, आपका तो मुझे पता है बहुत टफ है, तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन वही सब है, पूछने का तरीका बहुत हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। चलो फास्ट, गुड जोश। ठीक है, बी होगा 16 दिसंबर, बी, सीवी मौर्य का आंसर। अच्छा तुम आगे चली गई, वाह तेज पुरुष हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मैप रीडिंग। कंपास हमेशा किस दिशा को दर्शाता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऑल इंडिया का सेम होता है, ऑल इंडिया का सेम। चलो जल्दी सभी लोग, क्या होगा? कंपास हमेशा किस दिशा को दिखाता है? क्वेश्चन नंबर के साथ। 107, सी होगा उत्तर दिशा। 108, ध्रुव तारा किस
किस दिशा को दर्शाता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्रुव तारा किस दिशा को इंडिकेट करता है, किस डायरेक्शन को? क्वेश्चन नंबर के साथ आज अभी रात को, जैसे कल अपलोड किया था, 10:30 बजे, 10:30 बजे ये मॉडल पेपर जो कल हम किए थे, बहुत जो टफ है, 2024 का ये, सारे आंसर के साथ, इसमें बहुत नए क्वेश्चन थे, आंसर के साथ एकदम 10:30 में अपलोड करूंगा, याद कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को, ठीक है, सी होगा। 109, मंदिर का रूढ़ी चिन्ह क्या है? 109 नंबर, मंदिर का रूढ़ी चिन्ह क्या है? नीतू खारे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इमोजी यूज कर रही है, तो कहां कहां से तो आते हैं यार डिफॉल्टर लोग, इमोजी ना घर पे खेलना, गधी वाली हरकत नहीं करो यहां। मंदिर का रूढ़ी चिन्ह ये कौन सा होगा? ये का शुरू हो गया खेल। चलो जल्दी, मंदिर, ठीक है, बी होगा, बी। नेक्स्ट 110, चर्च का रूढ़ी चिन्ह क्या है? चर्च का साइन, ये चर्च का कौन सा है? मुझे ना बाल भी कटाना है, तो मैं ना बाल कटाने सोच रहा हूं, कल जाऊं, कल सैटरडे है, परसों कटा लूंगा। चलो सभी लोग, चर्च का, ठीक है, चर्च का ए होगा, ए इज द चर्च, बी इज द मंदिर। नेक्स्ट, कब्र का रूढ़ी चिन्ह क्या है? ग्रेप्स। व्हाट इज द कन्वेंशनल साइन ऑफ ग्रेप्स? ये कौन वाले हैं? जल्दी, कब्र का क्या होगा भैया? 2 सेकंड में आंसर, कब्र का फास्ट, हाँ तो याद कर लो अच्छे से, ठीक है, कब्र का ये होगा सी, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट, मकबरा का रूढ़ी चिन्ह क्या है? ये वाले हैं, ये वाले, ये या फिर ये मकबरा, ये चर्च हो गए, ये मंदिर हो गए, ये कब्र हो गया, तो मकबरा में भी दिक्कत है, ये होगा, ठीक है, डी, इसको पास करते हैं यार, बहुत गंदा ऑप्शन दे दिया। 113, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए कौन सा रंग से दिखाते हैं? हरा, लाल, आसमानी, पीला। मानचित्र पर पानी वाला स्थान किस रंग से, मतलब वाटर रिलेटेड ऑल ऑब्जेक्ट को किस रंग से दिखाते हैं? चलो जल्दी, थोड़ा फास्ट चलो, इतना स्लो होते हैं, मेरा मोबाइल रुक गया, अरे भाई। क्या होगा? हाँ ठीक है, नीला कलर कहाँ गया? सी, स्काई ब्लू। 114, जीपीएस का फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, स्पेलिंग बताइएगा, सभी का आना चाहिए, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो जल्दी, 2 सेकंड में आंसर दो, आराम से लिखो, स्पेलिंग बताइएगा, स्पेलिंग क्या होगा? पीयूष शुक्ला, अरे आंसर बताओ, जीपीएस का, नीतू, राजकुमार, सैयाजी, सौरभ, ठीक है, बाकी लोग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ए होगा, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ए, स्पेलिंग याद रखना। नेक्स्ट, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, आड़ कितने प्रकार के होते हैं? रामा भगत, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर? 1, 2, 3, 4। गुंजोते, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, पोजीशन बिगड़ जाएगा पढ़ लो नहीं तो। चलो जल्दी, क्या होगा? स्वीट एंगल एंजल, हाँ ठीक है, नाम तुम लोग खतरनाक रखते हो, मिथलेश, जेपी सिंह, रेसर, हिमांशु, दिमांशु, ठीक है, कवर 2 प्रकार, बी होगा। नेक्स्ट, 200 गज में शरीर की कौन सा अंग दिखाई देता है? धुंधला, मैंने कैसा दिखता है बॉडी 200 गज पे, धुंधला, पतला, साफ या मोटा? अगर आपको 200 गज पे खड़ा करेंगे तो कैसे दिखोगे, आलू की तरह, बैगन की तरह, कैसा? फास्ट। 116 नंबर, क्या होगा? किसका नाम ले रहा हूं? आपका नाम माने आप कौन सी हैं? आप भी तो इन लोगों की तरह हैं। नाम किसका आ रहा है? आंसर बताओ, पढ़ाई से मतलब नहीं है, नाम लेने आए हैं, अभी टाइम है नाम लेने के लिए, नाम लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं सारे का नाम लूंगा एक क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन में 1 घंटा खत्म, कौन सी पढ़ोगे? ठीक है, सी होगा, साफ दिखता है।
17, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 8, 10, 12, 15, जिनका बी सर्टिफिकेट का पेपर है, तो बी का पेपर देंगे इस बार। ये क्लास 7 बजे पूरे साल चलती है, रेगुलर क्लास करना ठीक है, रूटीन में 1 घंटा आपका एनसीसी का रेगुलर, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा फिर, तो फिर यही हाल होगा। चलो फास्ट, चलो जल्दी सभी लोग, एक सेक्शन में बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, 2 सेकंड में आंसर दो, 10 गो बी होगा ठीक है, 10 गो जवान। नेक्स्ट, सिग्नल समझ लिया का इशारा क्या होता है? सैल्यूट, हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, सर पर हाथ, मैंने सिग्नल समझ लिया ओके है, इसका साइन क्या होता है? चलो जल्दी फास्ट, क्या होगा भाई? सिग्नल समझ लिया का सिंबल, सर बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, पहले आपको बता चुका हूं ना क्या होगा। गुड जोश, ठीक है ये होगा सैल्यूट माने ओके है ठीक है। 119, प्लाटून फॉर्मेशन कितने होते? 5, 3, 6, 7, प्लाटून फॉर्मेशन कितने होते हैं? प्रैक्टिकल वाली वीडियो फिर से क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, क्विज या फिर प्रैक्टिकल देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सिग्नल प्लाटून फॉर्मेशन, 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन और 3 अप फॉर्मेशन, हलवा वाला क्वेश्चन है, बी होगा ठीक है बी। नेक्स्ट, चीजें कैसे दिखाई देती है? आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर चिन्ह, हरकत, इनमें से सभी। व्हाई, हाउ आर थिंग्स सीन, चीजें कैसे दिखाई पड़ती है, रीजन क्या है? चलो जल्दी पास। अलीना खान, बच्चा वाला क्वेश्चन गलत करोगे, जो नहीं गलत होना चाहिए, तो ऐसे ही होगा, आपको नहीं रखेंगे, तुमसे पूछेगा 2+2 तो तुम गलत बताओगे, बोलोगे एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, 5 लिखोगे, अरे तुम बच्चा वाला क्वेश्चन गलत करके बोलोगे मिस्टेक हो गया, माफ नहीं है उसके लिए, गलती जहां होना चाहिए वहां माफी मिलेगा। चीजें कैसे दिखाई पड़ती है कि सारे होगा, 6s एंड 1m की सही से इस्तेमाल नहीं करने से, तो डी होगा। 121, व्हाट स्किल इज नॉट अवेलेबल इन बैटल वार, इंग्लिश में पूछ दिया ये सब, इंग्लिश में पूछ दिया, फील्ड सिग्नल, फायर कंट्रोल ऑर्डर, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर एंड रिट्रीट, पता नहीं रिट्रीट क्या होता है। चलो फास्ट, अरे तो तुम्हारा एग्जाम कब होगा ये सर्टिफिकेट का, तुम्हारा बटालियन बताएगा ना, कितनी बार बोलूं कि आपका डेट कब होगा कंफर्म, अपने बटालियन से कॉन्टेक्ट करो, तुम मेरे से यहां पूछ रही हो, रोज बताता हूं तो समझ में नहीं आता, इनको एग्जाम का डेट ही नहीं पता, मेरे से पूछ रहे हैं, अरे अपने बटालियन से कॉन्टेक्ट करो, कंफर्म डेट वहां से पता चलेगा। 121, बैटल क्राफ्ट, फील्ड सिग्नल कहां पर होता है? फील्ड क्राफ्ट का है ना, फील्ड सिग्नल फील्ड क्राफ्ट में होता है ठीक है, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर एंड रिट्रीट ठीक है, मैंने तो ये बताया था, लेकिन यहां पे ना बैटल क्राफ्ट पूछ रहा, फील्ड सिग्नल नहीं पूछ रहा, ये बोलो वो फील्ड क्राफ्ट नहीं पूछ रहा, पता नहीं इसमें ना ये होना चाहिए ठीक है, इसका देख लेंगे, इसका देख लेंगे, डी कोई ठीक नहीं कि डी होगा। फील्ड क्राफ्ट के कौन कौन से होते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन फील्ड क्राफ्ट में पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, बैटल क्राफ्ट युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में फील्ड सिग्नल होता है, फायर कंट्रोल होता है, सेक्शन फॉर्मेशन फायर वाला भी तो होगा युद्ध क्षेत्र में, इसका सी होना चाहिए ठीक है, देख लेंगे सी होना चाहिए, हेड में पेन है, बी के भी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, 6, 7, 8, 9, इसका ना ठीक है देख लेंगे, एक बार लास्ट में कंफर्म कर लेंगे, 11 को पेपर है, प्रैक्टिकल एक ही दिन है, हाँ तो वीडियो अपलोड कर दिया, सेक्शन दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके, 22, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? इंग्लिश में ना दिक्कत हो जाता है क्योंकि मेरी खुद इंग्लिश वीक है, जिनका इंग्लिश अच्छा आपको पता चलता होगा बढ़िया से क्या दिया है, इसका 6 होगा ये होगा ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है, इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज टेक्निकल इंपॉर्टेंस विच वारंट्स फायरिंग ऑन इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू,
पता नहीं क्या दे दिया यार, ठीक है इसका भी डाउट में रखो, इंग्लिश बहुत लंबा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अंबुस, अंबुस कितने प्रकार के, दो तीन चार पांच, नॉन ऑफ दीज। ये ना मिस प्रिंट है, मतलब हिंदी में नहीं दिया उन्होंने, ध्यान नहीं दिया, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा। चलो जल्दी, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है ना इसलिए मैं फंस जाता हूँ, मतलब अभी बहुत लंबा पूछ दिया इसमें दिक्कत है। चलो जल्दी, अंबुश कितने प्रकार का, आंसर सभी का आना चाहिए भैया, अंबुश ठीक है दो प्रकार ये होगा। नेक्स्ट, मिलिट्री हिस्ट्री, भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता। इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड, ये पूरा कर लेते हैं ठीक है, टाइम भी हो चुका है, टाइम हो चला है बट अभी 5 मिनट 7 मिनट है, पूरा कर लेते हैं। इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड, चलो जल्दी आंसर सभी का आना चाहिए, क्या होगा, चलिए फास्ट। सी वाले, सी से रपटेगा क्लास पे, ऑब्जेक्टिव भी चला दूं क्या, जो सर ने सारे क्वेश्चन आंसर बताया इस वाला मॉडल पेपर को, 8:20 में ये वाला चला दें, सारे आंसर बता दूंगा, क्या बोल रहे हो, सेंट्रल कमांड कहां पे, ठीक है लखनऊ में ये होगा। अब तक कितने फील्ड मार्शल नियुक्त किए गए, दो तीन चार एक, टोटल कितने फील्ड मार्शल अब तक बने हैं, चलो जल्दी से मिलो, शिल्पा, ज्योति और हिमांशु, अजय, ठीक है सभी लोग ठीक है ना, सी वाले उसी क्लास को कर लेना ठीक है, नए क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स पता चल जाएगा, बाकी ना कल से तो फिर तो परसों से आपका चलेगा ही, ठीक है वही कर लेंगे ठीक है। इन लोगों का कल पेपर है तो थोड़ा सा दया दिखा देते हैं ठीक है, उसको ना पूरा करेंगे, 9 10 10 बज जाएगा तो हाँ उसको पूरा कर लेंगे ना, फिर मैं बाद में प्रैक्टिकल अपलोड करूंगा। क्या होगा, ठीक है दूगो ए होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक कमांड की कमान किस पद के अधिकारी के पास होती है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, नॉन ऑफ द अबव। शुक्र है सर जी मेरा नाम भी ले लिया आपने, अरे भैया शिल्पा कुमारी, आप लोग ना शिल्पा कुमारी का नाम ले लेंगे, इनको नाम की पड़ी है, खुश हो जाएगी सब लोग। हिमांशु तुम्हारा भी नाम लेना है ठीक हो, यशु जय हिंद, इतना लेट, हाँ कल प्रैक्टिकल का तो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ ना, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, और अभी क्लास के बाद भी अपलोड कर दूंगा सारे एक साथ। बी होगा लेफ्टिनेंट जनरल, COAS का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ COAS, चलो जल्दी, अरे हाँ भाई कल प्रैक्टिकल है अपलोड तो कर दिया, पेट में बहुत पेन हो रहा, सर दर्द है तो आप मोबाइल यूज नहीं करो, रेस्ट करो ठीक है, ठीक हो जाएगा। एक लिख रहा जनरल होता है, मारेंगे उलट जाएगा गधा, जनरल पूरा आर्मी का चीफ होता है, रेस्ट करो, हेडेक है तो, जिनको हेडेक है ना रेस्ट करेंगे, बुखार है रेस्ट करना है, मोबाइल यूज नहीं करना ज्यादा तो और हेडेक होगा। COAS का फुल फॉर्म, इसमें ना कोई भी फुल फॉर्म परफेक्ट नहीं है, कौनो परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसमें से लिख देंगे कुछ भी। ज्योति पांडे, कम से कम फुल फॉर्म सही लिखो ना, क्या इसमें से लिख रही हो, सारा गलत है। चीफ ऑफ, यहां पर द होगा, द आर्मी स्टाफ, स्पेलिंग याद रखो, देख रहे रागिनी उल्टा पुल्टा। हिमांशु करेगा कास्ट, कास्ट जात पात घर पे खेलना, लिख रहा है राजपूत नाम ही काफी है, कौन सी तेरा पढ़ा लिखने का फायदा है, कुछ कास्ट कास्ट खेल रहा है गधा, नहीं आना यहाँ पे। एलओसी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, एलओसी का फुल फॉर्म, मैंने इसे पता नहीं कहां से लोग आते हैं, माने हम अगर राजपूत हैं काम माने नंबर वन हो गए, काम मेरा गधा वाला होगा तो गधा ही निकालेंगे, कि तू कास्ट के नाम पे वीर कहलाएगा, कास्ट कोई भी हो, गंदा है तो गंदा है तू, सब घर पे खेलना कास्ट कास्ट, यहां सब लोग एक जाति के, मनुष्य जाति, अगर आपसे कोई पूछता भी है ना, बहुत लोग पूछ देते हैं किस कास्ट के बबुआ, तो बोलना गुस्सा के मनुष्य जाति के हैं, क्या बोलना चाहता है बोल, अरे हमारा काम से तुरा मतलब है कि कास्ट कास्ट तो हम लोग बनाए हैं, आदमी बनिए है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बी होगा, 130, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अनुभाग, बटालियन, प्लाटून, कोर,
पढ़ाई लिखाई के कोनो फायदे नहीं दिखता इन लोगों का, कुछ 1% नहीं दिखेगा कि पढ़ते हैं। इंडियन आर्मी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? चलो जल्दी, अरे आदमी बनो। फास्ट क्या होगा? हमारे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति है, वो बोलेगा कि आदिवासी है, आदिवासी को तो उतना दर्जा नहीं है, वो राष्ट्रपति है, तू बन जाएगा गधा। क्वालिटी लाओ ना, क्वालिटी तो है नहीं तुम्हें, कास्ट कास्ट यही सीखे हो जिंदगी में, बहुत छोटा सोच का है यार सब। आप लोग ये सब सोच नहीं रखेंगे ठीक है, इज्जत नहीं मिलेगा कहीं। सबसे छोटा ठीक है सेक्शन होता अनुभाग, ये होगा इंसास का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ इंसास। इंसास का फुल फॉर्म क्या होता भैया? चलो सभी लोग इंसास का फुल फॉर्म जल्दी आंसर सभी का आने चाहिए। गुड जॉस, ज्योति पांडे परफेक्ट, गोल्डी परफेक्ट, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग स्पेलिंग बताइए। एक और हिमांशु था उसको बोल रहा हूँ, इनोसेंट बाबा शुभम परफेक्ट है, गुड जोश नैन्सी। इंडियन स्मॉल आर्म्स होता है ARMS, तो स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम ए में ऑप्शन है। हाँ ठीक है सभी लोग, नेक्स्ट। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उत्तर कोरिया। चलो जल्दी पूरा करना है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो वाला मॉडल पेपर पूरा उड़ा देंगे ठीक है, आज जितना टाइम लगे इसको पूरा उड़ा देंगे जल्दी, टाइम हो गया तो अब इसको पूरा करिए क्या ना छोड़ेंगे। अरे भाई टाइम हो गया तब का हो गया, दूसरा के कंट्रोल में हो कि अपना कंट्रोल है, पूरा करेंगे टाइम से हो गया, ड्यूटी करने गए हो टाइम हो गया। चलो जल्दी, ये सब पता नहीं कहां से आता है। क्या होगा नया देश? बांग्लादेश भी होगा। भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाती है? मतलब भारत और चीन के बीच के रेखा को, मैकमोहन रेखा, मेडिसिन लाइन, मैकमोहन रेखा, सीमांत। अच्छा मेनेन रेहम है, मेनेने रहा हम रेखा, वाह। मेडिसिन मैकमोहन, सीमांत क्या होगा? पता नहीं कैसे कैसे नाम दे दिया जल्दी। अरे भाई कोई मेरे ना पीठ पे आके दे भूसा मारता ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता ठीक है। सी होगा मैकमोहन रेखा, सी। नेक्स्ट 134, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया जनरल वीके सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अर्जुन सिंह, जनरल बिपिन रावत। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया क्या होगा? चलो जल्दी आंसर सभी का आने चाहिए, क्या होगा? राधे राधे, कौन क्या बोल रहा है? चलो जल्दी से आंसर सभी का आने चाहिए। गुड जोश, जनरल बिपिन रावत, डी होगा फर्स्ट सीडीएस। 135, 1999 कारगिल युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन संग्राम। चलो जल्दी फास्ट, काव्या सक्सेना। हाँ ठीक है सही जा रहे, कुछ लोग ट्रेन बना रहे हैं, बेटा ट्रेन घर पे बनाओ ना, हम लोग खुद ट्रेन है। 1999 के कारगिल युद्ध को किस विजय किस ऑपरेशन के नाम से जानते हैं? 35, शिल्पा, शुभम, प्रीजा, राजकुमार, अरुण, सरुण, ठीक है विशाल। सी होगा विजय दिवस, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, कदम कदम बढ़ाए, नव स्पर्शम दीप्तम, सेल्फ सर्विस बिफोर। मैंने ना संस्कृत थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, मैंने अपनी लाइफ में संस्कृत पढ़ा ही नहीं है, एक वर्ड तक नहीं मैंने पढ़ा, तो मैंने जो संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। क्या होगा? इकोन किरण धांगर, तुम भी यार पूरा नमूना ही हो, घर पे रहो ना, तुम कहाँ आ गए झुटमुट का, ये तुम्हारे लिए नहीं है किरण धांगर, दूसर जगह जाओ, यहाँ क्लास का ना एक बार आंसर बता।
ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, ये होगा। मजा आया, कितना क्वेश्चन हो गया एक घंटा में, पूरा आग लगा दिए, 80 नंबर को क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी होगा इसका, इसका पूरा चटनी बनाना है, पूरा 3 घंटा का पेपर, कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा। तो 9 बजे, अभी तो 8:20 हो रहा है, 8:30 पे क्लास शुरू करते हैं, 8:30 पे शुरू करते हैं, ठीक है, 9:30, 1.5 घंटा में पूरा संस्कृत से बीए कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है ना, 8:30 में शुरू करते हैं और 10 बजे तक 3 घंटा का पेपर, 1.5 घंटा में चटनी बना देंगे, ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आएंगे। और 10 मिनट में कौन सी पढ़ोगे, जाके ना चाय वो पी लो, जिसको खाना है खा लो। महासंग्राम, हेलो महासंग्राम छुट्टी रहा है, आप लोग महासंग्राम करने लायक होते कहाँ हो। चलो आज का महासंग्राम, ठीक है, टॉप 20 का नाम आएगा, संग्राम करिए लेते हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जो स्पेशली सी वाले बी वाले अपने जूनियर्स को बता देना, ठीक, क्लास के लिए, और बी सर्टिफिकेट वाले ये क्लास रेगुलर कीजिएगा, एग्जाम देके भी रेगुलर, ठीक है। पीयूष मार खाएगा ना, उलट जाएगा। चलो ठीक है, आज का क्वेश्चन है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होली आ रहा है, बहुत उसका गाना बजता है, बैंगन का इंग्लिश बताना है, बैंगन का इंग्लिश वर्ड, हमें जल्दी से मिलो, अफसाना पूरा सही हुआ, गुड जोश, बैंगन का इंग्लिश वर्ड बताइए। सी वालों का क्लास आपका, मतलब ये भी क्लास सी वालों के लिए है, सी सर्टिफाइड का सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव में 50% फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर होता है, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन आपको वही वाले हैं, आधा तो आपका तैयारी चलेगा ना, बी का पेपर है तो आज पूरा कर लेते हैं। चलो जल्दी, जब चटनी बनेगी तभी तो खाएंगे। क्या होगा बैंगन का स्पेलिंग, टॉप 20, बाबा नीतूपाल सेकंड, बाबा फर्स्ट, नीतूपाल सेकंड। पीयूष तू गलत है, 2 बार कैसे लिख दिया, तू नहीं है। थर्ड पिंकी, 4 प्रीजा, 5 संगीता, संगीता गलत है, 5 गायत्री, 6 वाराणसी वाला, 7 रियाज अहमद, 8 शुभम, 9 सूरज, और निधि 10, शिल्पा है 11, अर्चना 12, नैन्सी 13, रचना 14, देवश्री 15, रागिनी 16, आशु 17, सत्यम 18, संजीव 19, और 20 नंबर पे कौन है भाई, एक बचा है सीट, वो सीट किसके चाहिए, और जो नहीं आया टॉप 20, आप लोग बैगन वाले कैटेगरी में जाएंगे, बैगन खुजली वाला सब्जी है। 20 पर है एनसीसी बॉय एसडी, बाकी सब लोग चले गए बैगन वाले कैटेगरी में, इनके नाम पे बैगन हो जाना चाहिए कमेंट में, ठीक है, बैगन कमेंट में आ जाना चाहिए पूरा, जो लोग बैगन हो, टॉप 20 लोग बस बच गए। अरे तो बैगन दे ही नहीं रहा है, इसका इमोजी नहीं दे रहा बैगन का, कैसे भेजे, चलो हंसी वाला इमोजी शेयर कर दो इनके नाम पे, स्पैम कर दो हंसी वाला इमोजी, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सी सर्टिफिकेट वाले आपको मैंने बता रखा है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पे पेड कोर्स पीडीएफ है, पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे डाटा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हमेशा फर्स्ट आती हूँ सारे क्लास में, अच्छी बात है, गुड जोश। अब भंटा, तो अभी हम लोग इसको चटनी बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा अचार बनेगा। उंगली की पट्टी कितने इंच की, 3x4x4.5 इंच उंगली की पट्टी का साइज। अरे अच्छा, बैगन तुम लोगों को कहां से मिल गया, मेरे में नहीं दिया, सब्जी वाला इमोजी में ढूंढ लिया। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, पढ़ के आएंगे। अरे कितना बैगन भेज दिया, हम आप पे, मेरे पे हंस रहे हो, मेरे पे हंस रहे हो। संतु, हाँ बेटा वही चलता, चलो ठीक है फिर, सभी को राम राम, जय हिंद। एक बोल रहा है कि सब क्या कर रहा है, जो करना था कर लिए, आग लगा दिए, हमारा लास्ट में यही होता है, ठीक है, चटनी बनाते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।